हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं वीडियो की शुरुआत ये सुंदर सुंदर फूलों से करती हूँ। दोस्तों इनके कलर देखिए, जो भी कलर आते हैं इसमें बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आजकल इन्हीं का सीज़न चल रहा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं, और एक ये वाइट कलर का उसी में का है। ये वाइट कलर भी बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये इन्हें कह सकते हैं गर्मियों का राजा। ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों खिलते हैं, पूरा ढेर का ढेर हो जाता है, अनगिनती खिलते हैं, बहुत ज़्यादा खिले रहते हैं। आज यहाँ बारिश हुई है तो थोड़े से ये कम खिले हैं बारिश की वजह से, नहीं तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं। आज मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाती हूँ दोस्तों। ये मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये मैंने बोनसाई थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ बनाने की। ये अब इस टाइम में इसे यहाँ से कट कर दूँगी, क्योंकि बारिश का टाइम है तो न्यू ब्रांच निकल आएंगी, और धीरे धीरे ये जब बन जाएगा तो इनकी पत्तियाँ जो हैं छोटी निकलने लग जाएंगी। अभी पत्तियाँ बहुत बड़ी निकल रही हैं। और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन, जैसे मिट्टी में नहीं ग्राउंड में लगा होता है वैसे ये फैलता जा रहा है। मैंने बहुत सारा उठा के सब ऊपर रख दिया था, सोच रही थोड़ा कट कर दूँ। ये देखिए इनके फर्श पे भी ये देखिए रूट निकल आई हैं, बस ये नीचे टच होना चाहिए। और पत्ते देखिए, जैसे लग रहा है इन्हें कितनी एनर्जी मिल रही हो, बहुत ही सुंदर। और इनके पीछे का कलर और भी सुंदर होता है, ये देखिए हर जगह रूट निकली हुई है। आजकल कभी कभी बारिश हो जा रही है तो बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं। और जो मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, ये गमला इसके ऊपर गिर गया था तो ये सारी ब्रांचेस उधर की टूट गई हैं। और इस पर भी ये हाइब्रिड विनका है, इस पर भी कलियाँ आने लग गई हैं। थोड़ा मौसम ठीक हो गया है तो इस पर भी कलियाँ आ जाएंगी। और जो मैंने कोलियस की कटिंग लगाई थी दोस्तों, मैंने 7-8 गमले इसके तैयार कर लिए हैं, सभी में कटिंग चल रही है। और ये थोड़ा पहले लगा दी थी तो ये देखिए ये भी चल गई है। और ये देखिए आजकल बारिश का टाइम है तो बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। ये देखिए पूरा छोटा सा प्लांट है, पूरा कली से भरा हुआ है, और रोज़ इसमें डेली फ्लावरिंग होती रहती है। और जो ये मैंने आप लोगों को दिखाया था हरसिंगार का प्लांट जो लगाया था, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। और दोस्तों ये जो मैंने कलांचों की कटिंग लगाना आप लोगों को बताई थी, जो मेरा गमला ख़राब हो गया था, ये देखिए सभी भी नई पत्तियाँ निकल आई हैं, बहुत अच्छे से चल गया है। और ये मैंने गुलदावरी की कटिंग लगाई थी, देखिए इसके भी मैंने 7-8 गमले तैयार कर लिए हैं, 2-3 में रिपोर्ट किया है, अभी बाकी हैं, ये भी चल गई हैं। और दोस्तों ये देखिए ये बहुत सुंदर फ्लावर हैं, ये 12 महीने खिलते ही रहते हैं, बस कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे ही होते हैं, फ्लावरिंग बहुत होती है दोस्तों इसमें। और दोस्तों ये देखिए मेरा इसमें भी फ्लावरिंग होने लग गई है, 12 महीने फ्लावरिंग होती है। और ये मेरा बोगनविलिया, इसमें तो भर भर के कई महीनों से फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों सभी में। और ज़रा सी बारिश हुई तो ये देखिए टेट्रावाइन कितनी खिली खिली हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। और ये भी फ्लावर देखिए महीनों से खिले जा रहे हैं, और रेन लिली आज नहीं खिले हैं, नहीं तो रेन लिली भी बहुत खिल रहे हैं। ये देखिए जो मैंने कटिंग लगाई थी, ये सारी कटिंग चल गई हैं, ये मैंने पहले कटिंग लगा दी थी थोड़ा सीजन आने से पहले गर्मियों में, तो इनको मैंने रिपोर्ट किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया है। सभी प्लांट्स दोस्तों बहुत खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी बारिश की बूंदें गिर जाती हैं तो सब बहुत। अगर आपने तुलसी का प्लांट नहीं लगाया है तो आजकल लगा दीजिए, अगर प्रूनिंग करनी है तुलसी तो आजकल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तुलसी हो रही है, पत्तियाँ डेली निकल रही हैं नई नई, तो प्रूनिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए बारिश की वजह से सारे फ्लावर इसके गिरते जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डेली इसमें नए फ्लावर खिल जाते हैं। और ये देखिए टेंगल हार्ट, गर्मियों में इतना खुश रहता है, इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा फैलते ही जाता है, ये बहुत सुंदर होता है।
आप लोग इसे ऐसे बॉटल में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने अभी कटिंग लगाई थी और ये देखिए बहुत ही सुंदर कटिंग चल रही है। और इसमें मैंने पीछे ये होल भी कर रखा है, अब मैं इसे हैंग कर दूँगी तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। दोस्तों इसे आज मैं नीचे ले जा रही हूँ, नीचे लगाऊँगी जाके। और दोस्तों ये देखिए, मैंने क्रोटन की कटिंग लगाई थी, ये भी चल गई है, इसमें नई पत्तियाँ आ गई हैं। आजकल आपको जो भी कटिंग लगानी है आप लगा सकते हैं। आज मैंने गुलाब की भी कटिंग लगाई है, बहुत सारी कटिंग मैंने लगा ली है। और दोस्तों ये देखिए, मेरे टेरेस पे तुलसी आप लोगों को मिलेगी। अब मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँगी, सारे ये जो सीड पॉट बन रहे हैं इन सभी को मैं हटा दूँगी आज, फिर इनका सेप बहुत अच्छा हो जाएगा। इनकी पत्तियाँ किचन में बहुत काम आती हैं दोस्तों, इसलिए मैंने बहुत सारी तुलसी लगाई हुई हैं। और दोस्तों ये देखिए तितली, आजकल तितली भौरे बहुत से कीड़े मकोड़े फूल बहुत खिल रहे हैं तो बहुत आ रही हैं। ये देखिए कितनी सुंदर तितली है, और बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ आती रहती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं दोस्तों। और ये देखिए बिल्कुल डर भी नहीं रही, मैं बिल्कुल पास में खड़ी हूँ, आराम से रस चूसे जा रही है। ये देखिए ये प्लेन तितली है, बहुत सारी आती हैं। और आजकल ये देखिए सदाबहार है। और दोस्तों ये देखिए सदाबहार, ये ऐसे ही मतलब किसी पॉट में भी नहीं लगा है, ऐसे ही ये टंकी रखी है, इसके नीचे हर साल हो जाता है। और इसमें कितने फ्लावर, बारिश हुई है तो सारे ये देखिए फ्लावर झड़ गए हैं, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और कितना बड़ा प्लांट हो गया है, बहुत ही इसमें फ्लावरिंग होती है। ये हर साल तो उखाड़ देती हूँ, नीचे बहुत थोड़ा बहुत जड़ रह जाती होगी, तो ये हर साल अपने आप ही हो जाते हैं। ये देखिए सदाबहार के फ्लावर का साइज़ देखिए, ना ही कोई केयर है ना कुछ। और ये देखिए तितली अभी भी उड़ी जा रही है, बस उसको कुछ भी होश नहीं है, भाग नहीं रही है, उसे बस फ्लावर का रस चूसना है। वो देखिए वो चली गई है। तो आजकल आप भी जो भी कटिंग लगानी है, जो भी प्लांट रिपोर्ट करने हैं, तो आप सारे काम कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।